नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता डर का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया। इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस के नेता ज्यादा ही उत्साहित हो गए हैं। अपने इसी उत्साह में कांग्रेसी लोग उसी तरह का बयान दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को लेकर दिया था। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसी भाषा का इस्तेमाल वे नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भी कर रहे हैं। जिस तरह कश्मीर के बारे में कांग्रेस के कुर्तकों को पाकिस्तान ने आधार बनाया था, ठीक उसी तरह नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भी कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को मौका दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। इस बैठक के दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश में किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस और उसे सहयोग करने वाली पार्टियों को निशाना बनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक देश हित में है, इससे लाखों शरणार्थियों की जिंदगी में बदलाव आएगा। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को नागरिकता विधेयक को लेकर निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल पर कुछ विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पड़ोसी मुल्क के पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा, यह एक ऐतिहासिक कानून साबित होगा। प्रधानमंत्री ने देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक वर्ग को डराने की राजनीति की जा रही है। ये लोग वोट पाने के लिए एक वर्ग विशेष को भड़काते हैं ताकि इन्हें अपनी राजनीति की रोटी सेकने का मौका मिल जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। अमित शाह ने ही इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था और इसे पारित भी कराया था। शाह ने ही इस विधेयक को राज्यसभा में भी पेश किया है। अमित शाह ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान देश के मुस्लिमों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि भाजपा के शासन में किसी भी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने भी ये बोल दिया कि किसी भी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि अगर वे लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलती रही तो चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां एक वर्ग को डराने की कोशिश में लगी है। इस विधेयक पर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।